गण हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधार सदा समय सार शिव सर्वगत नमते हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहे ते हर करम सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैं मान बिन दान धन ऐनहीन तन छीन यह विधि मंगल करण ते सब विधि मंगल होते उदंगल दूर सब तम ज्यों बानु द्यो। गुणस्थान विवेचन पहला अध्याय सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका जो कि आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी गई है, उसके 7 प्रश्न अपने यहाँ पर हो चुके हैं और 7 प्रश्नों तक यहाँ पर काफी ऐसी चर्चा हुई कि ये ग्रंथ क्यों लिखा जा रहा है, टोडरमल जी उसकी टीका क्यों लिख रहे हैं। और पहले के लिखे बहुत सारे ग्रंथ तो हैं ही, मंदबुद्धि होकर के ग्रंथ लिखना, टीका लिखना, फिर उसमें कोई गलती हो जाना, अपनी महानता दिखाना, ये बहुत सारे प्रश्न जो हैं जो यहाँ पर प्रश्नकर्ता ने, शंकाकार ने यहाँ पर उपस्थित किए थे और जिसका स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल रूप से टोडरमल जी उसका निराकरण कर रहे हैं और उसका यथार्थ समाधान दे रहे हैं। 7 प्रश्नों की चर्चा हमारी यहाँ हो चुकी और 8वें प्रश्न से हमारे को शुरू करना है। आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ भैया, चलिए तो 8वें प्रश्न से अपन शुरू करते हैं। सिर्फ मानस को छोड़कर मेरे को और किसी की वीडियो नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? हाँ, अब थोड़ी अरिहंत की, अशेष की दिखाई दी मुझे। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो फिर अटेंड कीजिएगा, फॉर्मेलिटी मत निभाइएगा, ठीक है? और क्योंकि लिख कर दे रहा हूं मैं आपको, गांठ बांध करके दे रहा हूं, जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना तब उसमें से बहुत कम लोगों को गुणस्थान विषय जीवन में ग्रहण हो पाता है, समझ में आता है। और अभी तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उतना कांटेक्ट, उतना वाइब्स बनना और वैसा पूरा माहौल बनना, कनेक्शन बनना, वो ऑनलाइन उतना नहीं हो पाता, इसलिए आपको थोड़ा और अटेंशन की जरूरत है और सावधानी की जरूरत है, ठीक है? मैं आपके लिए ही ये बात कह रहा हूँ, फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी मत निभाइएगा, बिल्कुल अटेंड होकर के और उपयोग की एकाग्रता पूर्वक ही गुणस्थान को पढ़िएगा तो ही समझ में आएगा। टोडरमल जी ने साफ साफ लिखा था कि संयोग होना दुर्लभ है और संयोग होने पर किन्हीं को ही अभ्यास होता है, ठीक है? तो आप उन किन्हीं में से बनिएगा, दुर्लभ में से बनिएगा, उन लोगों में से मत बनिएगा जिनको अभ्यास नहीं होता, उनमें से बनिएगा जिनको अभ्यास होता है, वाली बात कही गई है। देखिए, चलिए तो 8वां नंबर का प्रश्न है और इसको अपन समझते हैं। आप खुद सोचिए ना, अगर मैं भी वीडियो ऑफ करके पढ़ाऊं तो कैसा लगेगा आप लोगों को? करूं, ट्रायल दूं आप लोगों को, वैसा तो आपको समझ में आएगा कि कैसा लगेगा। तो मैं भी तो चाहता हूँ ना कि आप लोग भी मुझे दिखें। एक तो मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है, पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे ही तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, पता चले आप पूरा गुणस्थान पढ़ लिए, मैंने आपको पूरा गुणस्थान पढ़ा दिया, फ्यूचर में कभी मिले और आपके भाई साहब, आपसे हमने गुणस्थान पढ़ा, हम तो आपकी शक्ल भी नहीं देखी, पहली बार लग रहा है ऐसा, पहली बार देखा, तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना, एटलीस्ट हम लोगों को एक दूसरे का परिचय तो होना ही चाहिए। चलिए, और आप श्रोता नहीं है ना, आप विद्यार्थी हैं, ठीक है? कोई ऑनलाइन श्रोता होते तो इतना फर्क नहीं पड़ता, उनसे मैं इतना इंसिस्ट भी नहीं करता, आप लोग विद्यार्थी हैं ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस विषय को हृदयंगम करना, ठीक है? चलिए, मैंने आप लोगों के हित के लिए ये बात कही,
अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने विषय को समझते हैं। प्रश्न है आठवां, मैं शुरू करता हूं पढ़ना। आपने कहा वह सत्य है, किंतु इस ग्रंथ में जो भूल होगी उसके शुद्ध होने का क्या कुछ उपाय भी है? मैंने आपने ये कह दिया कि वर्तमान में कोई केवली शुद्ध केवली है नहीं, ज्ञानी भी हैं विविरले हैं, संयोग होना उनका दुर्लभ है, ये सारी बातें हैं। और आपने ये भी कह दिया कि आपने अपनी बुद्धि से 100% देकर के इस टीका को लिखने वाले हैं, और फिर अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, और जैसी होगी वैसे आपको जैसा वस्तु का स्वरूप होगा जो जैसा होगा वैसा आप उसको एक्सेप्ट करने लेने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, मान लिया आपकी ये बात। लेकिन आप हमारे को ये बताइए कि अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक करने का क्या उपाय है? अगर कोई अशुद्धि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसको शुद्ध करने का क्या उपाय है? देखिए, उत्तर, एक उपाय यह करते हैं कि ज्ञानी पुरुषों का प्रत्यक्ष तो संयोग नहीं है, इसलिए उनको परोक्ष ही ऐसी विनती करता हूं कि मैं मंद बुद्धि हूं। देखो कितनी लघुता है, बार बार आप पहले प्रश्न से देख रहे होंगे, है ना। अब आप सीखिए, है ना, मैं सीख रहा हूं, आप भी ये चीज सीखिए टोडरमल जी से, कितनी लघुता है। माने हमारे लिए तो वो हमारे आदर्श है, है ना। और वास्तव में तो हम लोग टोडरमल जी की धूल भी नहीं, चरणों की धूल भी नहीं है, और ना हम उनके जैसा कभी बन भी पाएंगे। लेकिन जब इतने बड़े विद्वान टोडरमल जी इतने लॉजिकल थे, इतना उन्होंने जिनवाणी की सेवा की, अपना कल्याण किया, और जब वो इतने महान विद्वान होकर के अपनी लघुता प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने आप को ये कहते हैं कि मैं बहुत मंद बुद्धि हूँ, तो आप बताओ हम लोग और आप लोग क्या है उनके सामने, बताओ, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सीखो, ठीक है। जितना ज्ञान हो उतना विनम्रता आनी चाहिए, उतना विनयवान हमारे को बनना चाहिए। टोडरमल जी देखो कितने ज्ञानवान थे और देखो कितने विनयवान भी। हम लोगों को लगता है कि ज्ञान हो के ऐसे छाती चौड़ी कर लो, घमंड कर लो, मैं मुझे सब आता है, तुम कुछ नहीं लगते मेरे सामने, जबकि एक्चुअल में ज्ञान विनय को लाते हैं। विद्या ददाति विनयम, कितना प्रसिद्ध है ये, विद्या विनय को लाती है। चलिए, तो टोडरमल जी देखिए कितनी क्या कह रहे हैं कि भैया प्रत्यक्ष में तो हमारे को संयोग नहीं हुआ किसी ज्ञानी का, अगर होता तो हम उनसे पढ़ते, उनसे कंसल्ट करते, उनसे चर्चा करते, विचार करते, विमर्श होता, है ना, तो हम उनसे सारी चीजें क्लियर कर लेते। प्रत्यक्ष में किसी ज्ञानी का संयोग नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं परोक्ष ऐसी विनती कर रहा हूँ। दो बातें होंगी परोक्ष से, देखो दो बातें समझनी चाहिए। एक तो उसी टाइम पर करेंट सिचुएशन में जो भी स्कॉलर्स थे उनकी बात, दूसरी बाद में होने वाले जो विद्वान हैं उनकी बात। परोक्ष से समझ में आया, क्योंकि उस टाइम पर भी जो है उनसे कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है, और फिर बाद में जो होंगे उनसे भी कनेक्शन कैसे हो पाएगा। इसीलिए परोक्ष जो विद्वान है, यानी कि उस समय है लेकिन दूर है, अथवा काल दूसरे काल में होने वाले हैं, कालांतर में होने वाले हैं, वैसे। परोक्ष का मतलब समझ में आया हर्षित, समझ में आ रहा है ना, परोक्ष से दोनों अर्थ कैसे निकलेंगे। इसलिए उनको परोक्ष ही ऐसी विनती करता हूं कि मैं मंद बुद्धि हूं, विशेष ज्ञान रहित हूं, अविवेकी हूं, शब्द न्याय गणित धार्मिक आदि ग्रंथों का मुझे विशेष अभ्यास मुझे नहीं है। पढ़ पढ़ के कैसा बार बार मुझे ये फीलिंग आ रही है, टोडरमल जी ने कैसे लिखा है। आपको पता है मोक्ष महा प्रकाशक लिखने से पहले उन्होंने पूरी ग्रंथों की सूची बनाई है, जिन जिन ग्रंथों का उन्होंने अभ्यास किया है, और बहुत लंबी चौड़ी सूची है वो, पढ़ना आप। मोक्ष महा प्रकाशक ग्रंथ है ना, जो अपने स्मारक से छपा है ना, उसको आप देखेंगे तो प्रारंभ में टोडरमल जी ने यह बताया है कि उन्होंने कितने कितने ग्रंथों का अभ्यास किया है, जितने भी उनको उपलब्ध हो पाए मूल ग्रंथ, उन्होंने ज्यादा से ज्यादातर सभी ग्रंथों का अभ्यास करने का उपाय किया है, ख्याल में आ रहा है, और फिर भी वो कह रहे हैं मुझे विशेष अभ्यास नहीं है। टोडरमल जी ने मोक्ष महा प्रकाशक के आठवें अध्याय में ये लिखा है कि शब्द न्याय आदि का भी ज्ञान होना चाहिए, न्याय ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए, व्याकरण आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। किसने कहा है? टोडरमल जी ने कहा है। टोडरमल जी को भी न्याय आदि का ज्ञान था, है ना, व्याकरण आदि का ज्ञान था, लेकिन फिर भी ये कहते हैं मैं उस ज्ञान से रहित हूं।
देखो ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम बहुत उस पे कमांड हासिल करते हो और सब कुछ आता हो ऐसा नहीं, इसलिए टोडा मस्जिद लघुता रख रहे हैं उनको बिल्कुल भी बने सारी चीजें। क्या आपको पता है टोडा मस्जिद ने मोक्ष प्रकाशक में जितने भी ग्रंथों को कोट किया है वो सब उन्होंने अपनी स्मृति के बल पर किया है। सोचो कितने सारे छंद तो उन्हें ऐसे याद थे, कितने सारे ग्रंथों के रेफरेंस तो उन्हें ऐसे ही याद थे। आप सोच सकते हो कितने असाधारण विद्वान होंगे वो, सोचो विचार करो। और फिर भी कहते हैं मैं मंदबुद्धि हूँ, बोलो ये कितनी बड़ी लघुता है जो सीखने लायक है ना। और देखो क्या कह रहे हैं, मंदबुद्धि हूँ, विशेष ज्ञान से रहित हूँ, अविवेकी हूँ, शब्द न्याय गणित, शब्द माने व्याकरण से संबंधित, न्याय माने जो अपने परीक्षा मुख आदि ग्रंथ होते हैं न्याय का जो विषय होता है वह, और गणित आदि जो करणान युग में होता है वह, और धार्मिक आदि ग्रंथों का विशेष अभ्यास मुझे नहीं है। और एक्चुअल में देखा जाए तो उन्हें बहुत अध्ययन था, जो हमें उनके विद्वत्ता से समझ में आ जाता है ना। देखो एक बात समझना आप सभी लोग, मैं ये दंभ भरूं तो मुझे जुनागम का सब कुछ आता है, और आप मेरे से एक छोटा सा प्रश्न पूछें कि भैया अनेकांत क्या होता है, तो मैं वो ही ना बता पाऊं, तो बोलो मेरे ये कहने से कि मुझे, मैंने बहुत ग्रंथ पढ़ लिए, मैंने षट्खंडागम पढ़ लिया, मैंने धवला पढ़ ली, मैंने जय धवला पढ़ ली, मैंने कुंद कुंद आचार्य को पढ़ लिया, मैंने सारे ग्रंथों को पढ़ लिया, तो बोलो इससे सब अपने आप सिद्ध हो जाता है ना कि कुछ नहीं पढ़ा था, इतना सा बेसिक सा नहीं आता। तो दूसरा अगर मैं ये कहूं कि मुझे कुछ भी नहीं आता भैया, मुझे जैन धर्म की ABCD भी नहीं पता भैया, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कर्णानयोग का काव्य भी नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आप कोई प्रश्न करें और कहें कि भैया गोरस्तान का ये विषय समझ में नहीं आ रहा और मैं आपको समझा दूं, तो बताइए आपके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भैया को ज्ञान है। कुछ अंतर समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? टोडरमल जी एक साइड ये कह रहे हैं कि मैं मंद बुद्धि हूं, लेकिन उनके ग्रंथ ये बता रहे हैं कि वो बहुत बड़े विद्वान है। ख्याल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? टोडरमल जी एक साइड ये कह रहे हैं कि मुझे धार्मिक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं है, लेकिन उनका मोक्षमा प्रकाशक जो कि उनका मौलिक ग्रंथ है वो बताता है कि वो कितने बड़े विद्वान हैं, वो कितने इंटेलेक्चुअल हैं, उनकी समझ तो भैया IQ लेवल उनका कितना हाई है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ पा रहा है या आपको अंतर समझ में आ रहा है ना? तो ये टोडा मलजी की विद्वत्ता हमारे को देखने को मिलती है। एक साइड भले ही वो ये कहते हैं कि मैं मंद बुद्धि हूँ, लेकिन एक्चुअल में उनके ग्रंथ, उनकी कृति, उनका परिचय और उनके ग्रंथ माने उनके लिखे हुए टीकाएं और ग्रंथ, ये क्या बोलूं मैं, चीख चीख करके कह रहे हैं कि वे एक बहुत बड़े विद्वान हैं, असाधारण व्यक्तित्व हैं और उनके जैसे अभी तक कोई नहीं हुए, ना भूतो ना भविष्य की वाली बात। आगे देखिए, अतः मैं शक्तिहीन हूं फिर भी, मैंने आप देख रहे हो कि मेरे में बहुत शक्ति नहीं है, मैं बहुत होशियार नहीं हूँ, बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बहुत पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी धर्मानुराग के वश होकर टीका करने का विचार किया है। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि भैया भैया आप म्यूट हो गए। चलिए अब आ रही आवाज आ रही होगी आपको। देखिए हाँ भैया, तो यहां मैं ये कह रहा हूं कि टोडर मस्जी को आप देखिए, टोडर मस्जी एक साइड ये कह रहे हैं कि मैं कोई, देखो टोडर मस्जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बॉर्न टैलेंटेड हूँ और मेरे जैसा तो कोई नहीं हुआ, माने वे अपने आप को असमर्थ ही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी धर्म से अनुराग है ना, इसलिए वो टीका लिख रहे हैं। आप भी अगर अपने आप को असमर्थ पाते हो ना, तो भी धर्म से अनुराग है ना, तो वो कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल, कालांतर में आप उसमें सफल हो जाएंगे, अच्छे से बोलने लग जाएंगे, अच्छे से समझाने लग जाएंगे, आप शुरुआत कीजिए। ख्याल में आ रहा है? तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि धर्मानुराग के वश होकर के टीका करने का विचार किया है। मैं अगर आपसे पूछूं, टोडरमल जी का टीका लिखने का जो एक वाई था ना, वाई वाई समझते हो आप लोग, इंग्लिश का छोटा सा शब्द है वाई, है ना। बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो ये कहते हैं कि आपको कोई भी काम करना हो तो आप उस काम करने से पहले अपने वाई को खोज लीजिए,
वाई को खोज लीजिए का मतलब समझते हैं, माने क्यों करना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिलना चाहिए, आपका एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए किसी काम करने से पहले। आप शास्त्री कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं बताओ, सुनो, अगर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग मोटिव है ना शास्त्री करने का, तब तो आप एक सफल बनेंगे। अगर आपका स्ट्रॉन्ग कोई मोटिव नहीं है, ऐसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं, सुना रहे हैं तो सुन लेते हैं, तो भैया आप अपने साथ भी अन्याय कर रहे हो, संस्था के साथ भी अन्याय कर रहे हो, समाज के साथ भी अन्याय कर रहे हो, और फिर बाद में आप खुद भी दुखी होने वाले। ख्याल में आ रहा है? इसीलिए अपना मोटिव ढूंढ लेना चाहिए हर चीज को करने का। टोडरम अलजी टीका लिख रहे हैं, बोलो मोटिव क्या है, बता सकते हो आप में से, बताओ चलो क्या है मोटिव को, इतना आपने पढ़ लिया अभी तक टोडरम अलजी को, बताओ क्या है टोडरम अलजी का मोटिव टीका लिखने का। मैं पूछता हूं किसे पूछूं, सोहम बताएंगे आप, अनम्यूट करो सोहम। ज्यादा तो पता नहीं है, बताओ क्या कह रहे हो, मेरा पता नहीं है वैसे ज्यादा से, नहीं पता आपको, समझ में नहीं आ रहा विषय, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या उसका रीजन है? अरे कोई मेरी तरफ से कोई रीजन हो तो फिर मैं उसको क्लियर करूं या उसको ठीक करूं या उसको सुधारूं। सो हम आप अगर टाइम देंगे अच्छे से समझेंगे ना तो समझ में, अभी तो बहुत इजी टॉपिक चल रहा है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा पूरा आना चाहिए। चलो अरिहंत बताओ टोडरमल जी का क्या मोटिव होगा, क्या टोडरमल जी का टीका लिखने का क्या मोटिव है, उद्देश्य? हाँ आपको विषय समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है? कल तक तो समझ आ, हाँ कल तक के जो प्रश्न थे वो समझ आए थे, समझ में वो उसी में से ही बताना है आप, थोड़ा सा ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझ करके बताओ। हाँ उन्होंने उनके जो प्रश्न और उत्तर है उसमें से तो यही यानी समझ आ रहा है कि उनकी जो लघुता अपनी दिखा रही है। नहीं नहीं आप प्रश्न नहीं समझ, प्रश्न ये है कि वो ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं, उद्देश्य क्या है अभी तक जो पढ़ा उसमें से? यानी उनके वो तो अपने खुद को मंद बुद्धि समझ रहे हैं, लेकिन उनके भी जो अति मंद बुद्धि वाले उनको समझाने के लिए वो ग्रंथ लिखे। चलो बहुत अच्छे, एक रीजन आपने ये बताया कि जो अति मंद बुद्धि वाले लोग हैं उनसे भी वो उनके लिए लिख रहे हैं, ठीक है चलो अच्छा बताया, एटलीस्ट एक आंसर मिला। इसके अलावा और भी आंसर्स हैं, और भी आंसर्स हो सकते हैं। हाँ अविरल बताओ, अनम्यूट करो पहले। भाई साहब अनुराग वश, मतलब उनको भक्ति आती जिन्हें भगवान के ऊपर, और उनको अपना कल्याण पर का कल्याण करने के लिए यह शास्त्र को लिखना चाहते हैं। चलिए ये भी उत्तर बिल्कुल सही है, भक्ति के वश, लेकिन वो भक्ति वाला एग्जाम्पल देव भक्ति का, यहाँ हम देव भक्ति नहीं लेंगे, यहाँ हम लेंगे धर्मानुराग, धर्म से अनुराग है, ठीक है, इसलिए वो टीका लिख रहे हैं शाश्वत। इसके अलावा आपको कुछ कहना है, आपका रेज हैंड है, बोलो भैया। काल में काल का दोष है कि अभी ज्ञान धीमे धीमे क्षीण होता जा रहा है, उनका जितना ज्ञान है वो उस टाइम मतलब सबको देना चाहते हैं क्योंकि फ्यूचर में और कम ज्ञानी आएंगे, ठीक है, इस अपेक्षा से धर्म बचा रहे हमेशा, ये अति मंद बुद्धि वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, ठीक है। तंदुल इसके अलावा कुछ कहना है आपको? जी भाई साहब, वो टीका की रचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि इससे उपयोग भी विशेष लगता है। हाँ ये पॉइंट हो सकता है, बहुत बढ़िया, तो वे टीका इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि इससे पर का ही कल्याण नहीं करना है, इसमें आत्म कल्याण भी गर्भित है, और वो आत्म कल्याण कैसे होता है, उपयोग विशेष लगने से और अर्थ भी विशेष विशेष काल में आ रहे हैं। हाँ अशेष इसके अलावा कुछ कह रहे हो आप?
नहीं यही कहना था भाई साहब कि वो उपयोग विशेष लगता है और अर्थ भी मतलब विशेष ख्याल में आता है, तो मतलब ऐसा बता था कि ट्रूडर में कि ऐसा चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपना है, तो जिससे जो वो टीका लिख रहे हैं तो उपयोग विशेष लगेगा और जो अर्थ है मतलब जो विषय है उसकी और डेप्थ तक और गहराई तक का पता चलेगा, इसलिए लिखना चाह ठीक है रहे ठीक हैं। है, ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। ओके मानस, इसके अलावा कुछ कहना है? भैया वो जो मंद बुद्धि है वह जो लिखा हुआ है उसको गलत नहीं समझ ऐसा कैसे होगा? दुष्ट जन जो है वो गलत ना समझ ले। दुष्ट जन तो आप सही कहोगे तो भी गलत ही समझेंगे आप, तो दुष्टी है ना। आप तो सही भी बोलोगे तो भी वो गलत ही समझेंगे, इसीलिए तो वो दुष्ट है। चलिए, तो ये रीजन नहीं था, इससे पहले के जो आपने उत्तर दिए वो सारे ठीक थे। तो अब आपको मोटिव समझ में आ गया, टोडरमल जी का उद्देश्य क्या है। माने एक्चुअल में देखा जाए तो स्वपर का कल्याण है, और देखा जाए तो धर्म के प्रति अनुराग है, और स्वपर कल्याण में वो सारी बातें आ गई कि उपयोग लग जाता है वो होता है, और पर के कल्याण के लिए अति मंद बुद्धि वालों के लिए, अभी भी अति मंद बुद्धि वाले हैं और आगे भी होने वाले हैं, तो सभी के लिए ये कार्यकारी हो इस भाव से वो लिख रहे हैं। चलिए चलिए, अच्छा हुआ आप लोगों ने आंसर दिया, अच्छा लगा आपके आंसर सुनकर। फिर भी धर्मानुराग के वश होकर टीका करने का विचार किया है, तो यहाँ मूल मोटिव हमारे को समझ में आ गया वो क्या है, धर्म अनुराग, और इसके वशीभूत होकर के, यानी हमें धर्म से प्रेम है ना, हम चाहते हैं ना जैन धर्म लोगों को समझ में आए, यही तो धर्मानुराग है। अगर हमारे को धर्म से अनुराग नहीं होगा तो हम लोगों को जैन धर्म क्यों समझाएंगे। टोडरमल जी ये चाहते हैं कि कर्णानियों का ये जो विषय है वो सभी लोगों को समझ में आए, तो जो उनके धर्मानुराग पने को दिखाता है। देखिए, तो धर्मानुराग के वश होकर टीका करने का विचार किया है, उसमें जहां कहीं भूल हो जाए, अन्यथा हर्त हो जाए, कोई गलती हो जाए या कुछ कहना कुछ और चाह रहे हो और कुछ और कह दिया जाए, वहां मेरे ऊपर क्षमा करके उस अन्यथा अर्थ को दूर करके यथार्थ अर्थ लिखना। ठीक है, अगर कुछ गलत हो जाए तो उसको सही कर देना। इस प्रकार विनती करके जो भूल होगी उसके शुद्ध होने का उपाय किया, माने हमने यहाँ विनती कर दी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। आपने टीका करने का विचार किया, यह तो अच्छा किया, किंतु ऐसे महान ग्रंथ की टीका संस्कृत में ही चाहिए, भाषा में तो उसकी गंभीरता भाषित नहीं होगी। आप देख रहे हो ऑब्स्टिकल्स कितने आ रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितने एक्सक्यूजेस, कितने सारी बार बार परेशानियां, बार बार कोई ना कोई आपत्ति, बार बार कोई ना कोई ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। अब अगला ऑब्जेक्शन क्या मिल गया, अब अगला ऑब्जेक्शन ये मिला कि भैया चलो अब आप लिख रहे हो ना, नहीं मानोगे ना, बेचारे ने 9 प्रश्नों से ये ट्राई किया, मैं 9 से पहले तक 8ों प्रश्नों में ये ट्राई कर लिया कि समहाउ टोडरमल जी को कन्विंस कर लिया जाए और वे टीका नहीं लिखे। होता है कि नहीं होता है, ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जिनका, पता है आप उसको समझना, जिनका कभी जिनका विल पावर स्ट्रांग नहीं होती ना, उनको लोग डिमोटिवेट बहुत जल्दी कर देते हैं, और जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है माने जिनको करना है तो करना है, जिन्होंने निर्णय कर लिया तो कर लिया और फिर जो करना होता है तो वो करते ही रहते हैं, ऐसी जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है उनको लोग कितना भी डीमोटिवेटेड करने की कोशिश करें, हतोत्साहित करने की कोशिश करें, उनको मार्ग में परेशानी उत्पन्न करने की कोशिश करें, वे कभी भी नहीं रुकते। ठीक है, ऐसे ऐसे ये होते हैं विल पावर स्ट्रांग होने वाले लोगों की निशानी। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि टोडरमल जी कितने स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले थे। लोग मना कर रहे हैं मत लिखो मत लिखो, ये क्यों लिख रहे हैं, मंद बुद्धि वाले तो क्यों लिख रहे हैं, गलती हो जाएगी, पाप लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कितने सारे ऑब्जेक्शन। और अब यहाँ कह रहे हैं अब ठीक है, अब लिख ही रहे हो तो संस्कृत में लिखो, भाषा में क्यों लिख रहे, मैंने उस समय की जो ढूंढारी भाषा है, अब कहाँ तो इतना महान ग्रंथ जो प्राकृत में लिखा गया, और कहाँ आप उसकी टीका संस्कृत में लिख रहे हो।
देश भाषा में लिख रहे हो, देश भाषा में मत लिखो, संस्कृत में लिखो। पॉइंट समझ में आ गया कि महान ग्रंथ की टीका तो संस्कृत में ही होनी चाहिए, देश भाषा में मजा नहीं आएगा, मजा तो संस्कृत में ही आएगा। अरे भैया तुम्हें अर्थ समझना है कि मजा लेना है, ये क्या है? हम तो अर्थ समझा रहे हैं, जिससे सभी लोगों को अर्थ समझ में आए वही तो भाषा चूज की जाएगी। मैं अभी आप लोगों को फ्रेंच में समझाऊं, मुझे आती नहीं है, लेकिन भाई सपोजिंगली मैं फ्रेंच लर्न करके, जर्मन लर्न करके मैं आप लोगों को जर्मन में गुणस्थान विवेचन पढ़ाऊं, पढ़ोगे? कितने दिन पढ़ लोगे, कितना समझ लोगे? अरे मुझे आपको समझाना है तो कोई एक ऐसी लैंग्वेज चूज करनी होगी ना जिससे आपको समझ में आए। ख्याल में आ रहा है? अभी मैं अकेला कन्नड़ में पढ़ाऊं तो फिर बाकी के लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तमिल में पढ़ाऊं तो बाकी के लोग नहीं, बुंदेलखंडी चालू कर दूं तो फिर जो हिंदी भाषी है उनको समझ में अच्छे से नहीं आ पाएगा जो आना चाहिए। इंग्लिश में समझाऊं तो कुछ को आएगा कुछ को नहीं आएगा, तो इसलिए एक ऐसी लैंग्वेज चूज करनी होगी ना जिससे आप सभी को समझ में आए। तो मैंने हिंदी चूज कर ली, इसलिए हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं। टोडा मस्जिद को माने आप ये समझो कि हमारी ऑडियंस कौन है, हमारी जो ऑडियंस होगी उसी के हिसाब से तो हम लैंग्वेज चूज करेंगे। टोडा मस्जिद को मंद बुद्धि वालों को पढ़ाना है ना, अब मंद बुद्धि वालों को संस्कृत आती है तो क्या मतलब निकला टीका लिखने का? माने वो तो ये हो गया कि अपना पंडित आई दिखाने के लिए टीका लिख दी, फिर वो क्या मतलब है, उसको कोई वैल्यू ही नहीं रही फिर तो। कुछ ख्याल में आ रहा है? अगर संस्कृत का ही इतना पक्ष हो तो संस्कृत में पहले टीका लिखी गई है उसको ही पढ़ लो। कुछ ख्याल में आ रहा है? हमें तो सामान्य भाषा को, सामान्य लोगों को समझाना है। अब देखो सुनना, टोडा मस्जिद का इतना अच्छा उत्तर है, इसे पढ़ करके आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, लैंग्वेज रिलेटेड क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। उन्होंने कहा देखो भैया भांति भांति के लोग होते हैं, है ना, भांति भांति माने अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग जीव हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग सबका स्वभाव है, सबका नेचर अलग है, सबके परिणाम अलग अलग है। तो देखो हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं, अब उन लोगों को कैटेगराइज करके इसका आंसर देते हैं, ठीक है, क्या आंसर देते हैं उसको पढ़ते हैं। उत्तर, इस ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका तो पूर्व में है ही। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आपको संस्कृत में पढ़ना है तो जो ऑलरेडी से लिखी हुई है आप उसको पढ़ सकते हैं। कॉमर्ट सार ग्रंथ पर जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका लिखी गई है, किंतु वहां संस्कृत, गणित, आमनाय आदि के ज्ञान रहित जो मंद बुद्धि है उनका प्रवेश नहीं होता। आमनाय क्या होता है? आना, ये आपको प्रश्न आ रहा होगा। आमनाय का मतलब होता है परंपरा। जैन तत्व ज्ञान जो है वो कैसे आया है? वास्तव में तो परंपरा से ही आया है, ठीक है, वो केवली ने कहा, गणधर ने उसको समझा, द्वादशांग में विभाजित किया, फिर धीरे धीरे मौखिक रूप से आया हमारे पास और आज हमारे पास उपलब्ध हुआ शठखंडागम में लिख करके और भी अन्य अन्य ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। तो यह परंपरा है ना, आपको ये समझना होगा कि जैन धर्म की परंपरा क्या है, जैन धर्म का स्वरूप क्या है, जिनामनाय क्या है। जिनामनाय समझते हैं? जिनामनाय मतलब जैन धर्म में क्या आमनाय है, क्या उसका स्वरूप है, क्या उसकी परंपरा है। जैसे मान लो, समझना, अभी मैं एक जैन विद्वान हूँ, मैंने शास्त्री किया है और मैंने जैन धर्म पे ही नेट JRF किया है और अपनी रिसर्च कर रहा हूँ आगे भी, तो मैं एक जैन धर्म का विद्वान हूँ। अब सुनना, अब मैं आपसे कहूँ कि जैन धर्म ये कहता है कि पशुओं की बलि करनी चाहिए, तो क्या ये बात एक्सेप्ट हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जिनामनाय नहीं है, जैन धर्म में ऐसी कोई परंपरा ही नहीं है हिंसा की। क्योंकि जिनामनाय तो ऐसी है, जैन धर्म की परंपरा तो ऐसी है कि वहां तो अहिंसा पे बल दिया गया है। जहां पानी के सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा करने की बात कही गई हो जिस धर्म में, उस धर्म में बलि की बात कही गई होगी, ये कैसे एक्सेप्ट होगा? तो इसे बोला जाता है जिनामनाय। समझ में आ रहा है आप लोगों को? परंपरा ख्याल में आ रही है? तो ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए देखो क्या कह रहे हैं, तो जिन, लेकिन सबसे पहले जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका तो लिखी गई है,
जिन लेकिन मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, ठीक है, गणित का ज्ञान नहीं है और आमनाय का ज्ञान नहीं है, इन सब के ज्ञान से रहित वो मंद बुद्धि है, क्या उन सब ऐसे जीव का जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका से उस ग्रंथ के अर्थ का संपूर्ण मैंने क्या कहे ग्रंथ के अर्थ का क्या अर्थ का प्रकाशन हो पाएगा या उसके संपूर्ण ग्रंथ का अर्थ ख्याल में आ पाएगा क्या, जिसको गणित नहीं आती, जिसको संस्कृत नहीं आती, जिसको आमनाय नहीं पता, तो क्या ऐसे व्यक्ति संस्कृत में पढ़ करके उसका अर्थ निकाल लेगा? तो संस्कृति नहीं आती तो वो संस्कृत को पढ़ करके कैसे अर्थ निकाल लेगा? अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें संस्कृत नहीं आती, गणित नहीं आती, आमनाय आदि का ज्ञान नहीं है, तो उनका तो उसमें प्रवेश नहीं हो पाएगा ना, किसमें? जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका में, ख्याल में आ रहा है? तो ऑडियंस ऐसी भी तो है ना, अकेले स्कॉलर्स थोड़ी ना है, ऐसे मंद बुद्धि लोग भी तो है, और आप देख लो हम लोग भी तो संस्कृत के विद्वान हैं, क्या इतना कमांड हमारे को हासिल हो गया कि संस्कृत पढ़ करके उसका अर्थ ख्याल में आ जाए? हम लोग को भी तो नीचे जो हिंदी में अर्थ लिखा होता है उसको पढ़ करके फिर संस्कृत का अर्थ पूरा ख्याल में आ जाता है ना, उतना धीरे धीरे करके अभ्यास करें तो वो भी कमांड हो जाएगा। तो संस्कृत का कमांड होना चाहिए, गणित पर होना चाहिए, आमनाय आदि का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन जिनको इनका ज्ञान नहीं है उनको जीव तत्व प्रदीपिका नामक टीका समझ में नहीं आ पाएगी। सुनो और देखो, यहाँ काल दोष से बुद्धि आदि के तुच्छ होने से संस्कृत आदि के ज्ञान रहित जीव बहुत हैं। सोचो ये तब की बात है जब एजुकेशन में संस्कृत पढ़ाया जाता था कंपलसरी, तब पढ़ने के नाम पर ही एजुकेशन में संस्कृत ही पढ़ाई जाती थी। नहीं आया समझ में क्या कह रहा हूं? आज आपके पास इंजीनियरिंग ऑप्शन है, डॉक्टर ऑप्शन है, सीए ऑप्शन है, और न जाने क्या क्या इंजीनियरिंग की भी कितनी ब्रांचेस हैं, कितना कितना, ये तब ये सब पढ़ाई नहीं होती थी, तब पढ़ाई के नाम पर संस्कृति पढ़ाई होती थी, और तब टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि संस्कृत के जानकार बहुत कम है, और अब तो कहाँ है बताओ, कितने हैं, कितनों को इतने संस्कृत पे कमाए। तो देखो, काल दोष से बुद्धि आदि के तुच्छ होने से संस्कृत आदि के ज्ञान रहित जीव बहुत हैं, जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, उन्हीं को इस ग्रंथ के अर्थ का ज्ञान कराने के लिए भाषा टीका करता हूं। हम संस्कृत में लिख दें लेकिन जिन्हें संस्कृत नहीं आती उनका क्या? तो भैया जिन्हें संस्कृत आती है वे तो वहीं से पढ़ लें, लेकिन जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है उनके लिए मैं देश भाषा में ये टीका लिख रहा हूं, ताकि वो इसे पढ़ करके, इसे समझ करके उसके अर्थ को बराबर से समझ लें। ठीक है, देखिए, अब जो जीव संस्कृत आदि ज्ञान रहित हैं, जो जीव संस्कृत आदि विशेष ज्ञान रहित हैं, वे भाषा टीका से अर्थ ग्रहण करें। ख्याल में आ गया? जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं, वे क्या करें? हम जो लिख रहे हैं नॉर्मल भाषा में, गुंडारी भाषा में, उससे आप पढ़ लीजिए, उससे आप अर्थ को समझ लीजिए। ठीक है, और जो जीव संस्कृत आदि ज्ञान सहित हैं परंतु गणित आमनाय आदि के ज्ञान के अभाव से मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, वे इस भाषा टीका से अर्थ को धारण करके मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका में प्रवेश करें। देखो क्या कहा जा रहा है, टोडरमल जी ने देश भाषा में टीका लिखी, टोडरमल जी ये कह रहे हैं जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है वो तो इस टीका को पढ़ करके अर्थ को समझ लें, अर्थ समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो लोग ऐसे हैं जिन्हें संस्कृत का तो ज्ञान है लेकिन गणित का ज्ञान नहीं है, जिनामनाय आदि क्या है, परंपरा क्या है, उसका ज्ञान नहीं है, तो वे क्या करें? वे पहले देश भाषा से अर्थ को समझ लें और फिर संस्कृत को पढ़ लें, तो उनको विशेष समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो आगे, वे इस भाषा टीका से अर्थ को धारण करके मूल ग्रंथ कौन सा है? गौमट सार, जो कि प्राकृत में है, और संस्कृत टीका जो उसके जीव तत्व प्रदीपिका नामक टीका है उसमें प्रवेश करें, तथा जो भाषा टीका से मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका से अधिक अर्थ हो सके उसको जानने का अन्य उपाय बने वह करें।
माने टोडामल जी ये कह रहे हैं भैया भाषा टीका से हम मूल ग्रंथ को भी समझ पाए, संस्कृत टीका के भी अधिक से अधिक अर्थ को समझ पाए, इसके लिए जो उपाय हो सो कर लीजिए। ख्याल में आ गया, माने अर्थ समझ में आना चाहिए, पॉइंट इतना सा है। वो चाहे देश भाषा से आ रहा हो, संस्कृत से आ रहा हो, देश भाषा पढ़ करके फिर संस्कृत से आ रहा हो, जैसे आ रहा हो वो अर्थ ख्याल में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट है समझ, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है समझ में आना चाहिए। इंग्लिश में आए तो इंग्लिश में कर लो, प्राकृत में आए तो प्राकृत में पढ़ लो, फारसी में आए तो फारसी में पढ़ो, लेकिन समझ में आना चाहिए। मूल मुद्दे की बात है समझ, तो जिसको समझ में आए वो काम करना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पे टोडामल जी ने इसका उत्तर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न और उसका उत्तर अपन कल पढ़ेंगे। आज की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। बोले महावीर भगवान की।